नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN News। आपने भारतीय सेना की बहादुरी की कहानियां तो सुनी ही होंगी, लेकिन उन बहादुरी की कहानियों में तब चार चांद और लग जाते हैं जब दुश्मन खुद उन बहादुरी की कहानियों अपने मुंह से बयां करे। पाकिस्तान का लड़ाकू विमान उड़ा देने के बाद पूरा देश भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान की सकुशल वापसी की दुआएं कर रहा है। भारतीय वायुसेना के पायलट ने पकड़े जाने के बावजूद भी अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। जब उनका विमान पाकिस्तान में गिरा तो उस वक्त भी उन्होंने अपने देशभक्ति और सूझबूझ दिखाकर पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया। जी हाँ, ये दावा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी अखबारों की रिपोर्ट में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के लिए कहा गया है। वहाँ के अखबारों ने भी उनकी बहादुरी का लोहा माना। जी हाँ, पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक LOC के पास रह रहे सोशल एक्टिविस्ट 58 साल के मोहम्मद रजाक चौधरी ने आसमान में किसी धमाके की आवाज को सुना और वह उसके पास गए। उन्होंने देखा कि एक शख्स पैराशूट से उतरता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के अभिनंदन ही थे। पैराशूट से अभिनंदन एक तालाब में कूदे और कुछ दस्तावेज अपने मुंह में निगलने की कोशिश की। रजाक के मुताबिक पैराशूट से उतरा पायलट बिल्कुल सुरक्षित और शांत दिख रहा था। अभिनंदन ने वहां जमा हुए लोगों से पूछा कि वह भारत में है या पाकिस्तान में, जिसके जवाब में एक युवक ने चालाकी दिखाते हुए कहा कि वह भारत में ही है। पायलट ने इसके बाद नारे लगाए और पूछा कि भारत में वह किस जगह पर है। उसी लड़के ने अभिनंदन को बताया कि वह किला में है। अभिनंदन के देशप्रेम भरे नारों को कुछ पाकिस्तानी युवक पचा नहीं पाए और पाकिस्तानी आर्मी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अभिनंदन समझ गए कि वह पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन बिना डरे उन्होंने हवा में फायरिंग की। हाथों में पत्थर लिए हुए लोगों को डराने के लिए भारतीय पायलट ने हवा में फायरिंग की। इस मुश्किल परिस्थिति में भी अभिनंदन ने साहस बनाए रखा और पाकिस्तान के आम नागरिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा और उन्हें दूर रखने के लिए हवा में फायरिंग करी। तभी वहीं पास के वह एक तालाब में कूद पड़े और अपनी जेब से कुछ डॉक्यूमेंट निकालकर उन्हें नष्ट करने की कोशिश की ताकि पाकिस्तानी सेना के हाथ में कुछ ना आ पाए। पाकिस्तान में जारी किए वीडियो में भारतीय पायलट अभिनंदन घायल दिखते हैं और उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। उनके चेहरे पर खून भी लग रहा है, लेकिन चेहरे पर वही हौसला और वही हिम्मत नजर आ रही है। दुश्मन की कैद में होने के बावजूद भी पायलट अभिनंदन की हिम्मत बिल्कुल भी टगमगाती हुई नहीं दिख रही है। अभिनंदन के पिता भी वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे की वीरता पर गर्व है और सिर्फ उनके पिता ही नहीं बल्कि देश के हर शख्स को उनकी बहादुरी पर गर्व है। हम अभिनंदन के घर वापसी की जल्द आशाएं करते हैं। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN News को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।